खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए एबीपी न्यूज लगातार आपको जो हमला जिस वक्त हुआ, ये बड़ा आतंकी हमला, तब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब कुछ नई तस्वीरें हमारे पास आई हैं हमले के बाद की तस्वीरें, और मैं आपको आगाह कर दूं ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस जगह को देखिए, ये जगह वो है जहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी को उड़ा दिया गया। हमले के ठीक बाद का ये वीडियो है, हमें इसके कुछ हिस्सों को ब्लर करना पड़ा है क्योंकि सीआरपीएफ जवान जिनकी शहादत हुई, जिन्हें खोया हमने इतने निर्मम और घिनौने अटैक में, इसके तुरंत बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर तरफ मंजर आप देख सकते हैं, सब कुछ बिखरा हुआ, और जो बस है उसका तो नामो निशान ही नहीं, वो एक तरह से उसके सारे अस्थि पंजर बाहर आ गए। आपको देखकर लगेगा भी नहीं कि इसकी जगह पर गाड़ी थी या फिर बस थी, पूरी तरह से लोहे का कबाड़ दिखाई देगा। हर तरफ छितरी हुई चीजें, बिखरी हुई चीजें पड़ी हुई, हो सकता है इनमें जवानों के अंग भी हो इधर उधर। तो ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, ऐसा संदेश कि दोबारा ऐसी हिमाकत ना हो। हम सीधे रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी का। आसिफ, क्यों ना कहे देश की खून का बदला खून से चाहिए। ये जो तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं ये दिल दहला रही है और साथ में खून भी खौल रहा है कि पाकिस्तान और आतंकियों ने कैसी हिमाकत की। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है उसके पीछे मंशा ही यही थी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान सुरक्षा बलों को पहुंचाया जाए। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और जिस तरीके के दावे जैश मोहम्मद कर रहा है कि इस हमले के लिए उन्होंने 300 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया, यानी जो मंशा इस सबके पीछे थी वो यही कि सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय को टारगेट किया जाए और यहाँ पे सुरक्षा बलों को से ज्यादा नुकसान किस तरीके से पहुंचाया जाए, यही मंशा के साथ ये हमला किया गया था। और कहीं ना कहीं सुरक्षा में जो चूक हुई है उस लापरवाही के चलते और जो जैश मोहम्मद के मिलिटेंट थे वो इस हमले को अंजाम देने में कामयाब रहे और सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाया। लेकिन जो सबसे बड़ी चूक वो इस पूरे हमले में जो घटनाक्रम में देखने में आई है वो ये है कि बड़ी संख्या में सुरक्षा वाहन एक साथ चल रहे थे, जो कि एसओपी नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये होता है कि हर कॉन्वॉय अलग अलग चलती है, छोटे छोटे टुकड़ियों में चलती है, जिसमें 5 से लेकर 8 वाहन होते हैं या फिर 20 वाहन होते हैं। जो 20 वाहन होते हैं उसके लिए आरओपी लगा दी जाती है, यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 7 दिनों से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, सभी गाड़ियों की आवाजाही बंद है और उसके में जैसे ही जो सड़क खुली है उसके साथ ही जो गाड़ियों का काफिला चला, कहीं ना कहीं नजर जो थी वो बिल्कुल इन काफिले पे कि बलों की गाड़ियां कब चले, कब वो एक साथ यहाँ पे पहुंचे और जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया उसके पीछे जो लग रहा है प्लानिंग है वो काफी ज्यादा कड़ी की गई थी और इस जगह का चयन किया गया था जहाँ पे सुरक्षा बलों के वाहनों को टारगेट भी किया जाए और आम नागरिक भी ज्यादा ना हो, इस बात पर भी नजर रखी गई थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस हमले को अब अंजाम दिया गया, सुरक्षा बलों के लिए कॉन्वॉय की टाइमिंग, कॉन्वॉय के साथ क्या क्या सुरक्षा इंतजाम करने हैं, अब नए सिरे से उसका रिव्यू करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं जो एक हमले के साथ कई जगह पे हमला किया गया, कई जगह पे वार किया गया और इस में जो है जैश मोहम्मद के संगठन के लोग जो है सफल हो गए। अब जो है सवाल उठने जरूरी है कि चूक कहां पर हुई। जो आप कह रहे हैं कि हमें रिवर्क अपनी स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी कई मोर्चों पर, और आसिफ ये जो वीडियो अभी हम देख रहे हैं तुरंत जो हमले के बाद का, आतंकी हमले के बाद का वीडियो है, कितना भयानक और जबरदस्त ये धमाका रहा होगा। ये तस्वीरें देख के सिरहन पैदा होती है, मतलब आसिफ इन तस्वीरों को क्योंकि आप ही ने भेजा है, आप जानते हैं, हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, गाड़ी का पूरी बस का नामो निशान नहीं है, सारे अंजर पंजर बाहर आ गए हैं, लोहे का कबाड़ जैसे पड़ा हुआ है और आसपास हर तरफ चीजें बिखरी हुई। नहीं, केवल ये देखना कि इस धमाके के कारण जो है बस का क्या हाल हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर लोहे से बनी बस का हाल ये हुआ होगा, जो जवान इसमें सवार हैं उनको किस तरीके की यात्रा झेलनी पड़ी होगी। यानी जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया उसके पीछे की मंशा देख रही है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए और वहां पे चोट पहुंचाई जाए जहां पे जो जवानों को रिएक्ट करने का टाइम भी ना मिले। जो हमारे पास जानकारी आई थी कि जैसे ही धमाका हुआ,
जो ये बस थी जिनकी संख्या अब चार बताई जा रही है, एक बस पूरी तरीके से इस धमाके में नष्ट हो गई, जबकि तीन अन्य बस जो है वो इस धमाके की चपेट में आ गई। उसके तुरंत बाद कुछ गोलियां चलने की भी आवाज सुनाई थी, जिसके कारण जो बाकी बसों में जवान सवार थे वो मोर्चा संभालने में लग गए, यानी वो भी जल्दी से नीचे ना आकर जख्मियों की मदद नहीं कर पाए और कुछ देर तक ये गोलियों की सनसनाहट रही। और जब तक वो संभव पाते नीचे आते बाकी जवानों को देखे, तब तक एक बहुत बड़ा कांड हो गया था, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में 30 साल के कश्मीर मिलिटेंसी के इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जो है सुरक्षाकर्मी हताहत हुए। जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसमें उसके अनुसार 40 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की खबर है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी आंकड़े को 30 के आसपास ही बताया जा रहा है। जबकि जो जम्मू कश्मीर सरकार में गृह विभाग के एडवाइजर है उनके हवाले से खबर आई है कि 40 से ज्यादा जवानों के इसमें मारे जाने की खबर है, जबकि कुछ जवानों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो अनअकाउंटेड है, यानी हमले के तुरंत बाद से उनका कोई पता नहीं है। इसीलिए सभी कंपनी कमांडर्स को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अपनी अपनी यूनिट के जवानों की गिनती करें, क्या उनके यूनिट के सारे जवान उनके साथ हैं, और जो लापता है उनके बारे में जानकारी हेडक्वार्टर्स को दे। नेहा बिल्कुल, और आसिफ जो बात आप कह रहे हैं चूक की बात भी, देखिए एक अलर्ट जारी किया गया था कि सैनिटाइज करके ही आगे बढ़ा जाएगा। अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं हाईवे की, जो तस्वीरें वो पूरा पैच जहां पर इस धमाके का असर हुआ है वहां तो कुछ पहचान में समझ ही नहीं आ रहा है, लग ही नहीं रहा है वो कभी हाईवे भी वहां पर हुआ करता था। चूक कैसे हुई इतनी बड़ी, ये काफिले के भीतर एक फिदायीन की गाड़ी आ जाती है, ये वाकई में अपने आप में काफी गंभीर सवाल होंगे। बिल्कुल, देखिए अब इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश होगी, जहां गृह मंत्रालय अलग से जांच करेगा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस अलग से, जबकि एनआईए अलग से इन सभी तथ्यों की जांच करेगी कि किस तरीके से ये हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी हमारे पास आई थी उसके अनुसार जो पहले एक कवायद रहती थी कि जब सेना या अर्धसैनिक बलों के काफले चलते थे तो सिविलियन गाड़ियों की मूवमेंट रोक दी जाती थी और केवल सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों को पहले पास होने दिया जाता, लेकिन जो जो हालात ठीक हो गए उसके बाद उस कॉन्वॉय के पैटर्न में चेंज किया गया और जो सिविलियन गाड़ियां हैं उनको भी जवानों के साथ चलने की अनुमति दी गई। और जब से जम्मू श्रीनगर हाईवे के फोर लेनिंग का काम चला है और अनंतनाग कांतिकुंड से लेके श्रीनगर तक हाईवे फोर लेन हो गया है, तो उसमें दोनों गाड़ियां यानी सिविलियन गाड़ियां और जो सेना की गाड़ियां या अर्धसैनिक बलों की गाड़ियां हैं वो एक साथ चलती है, और इसी बात का ठीक फायदा उठाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। और इतनी बड़ी संख्या में जो है जो सुरक्षा कर्मी है वो मारे गए, जिससे अब जो रिव्यू करने की है वो जरूरत है कि किस तरीके से जो सेना के काफलों को निशाना बनाकर आप नई रणनीति के साथ मिलिटेंट हमला करेंगे, और खासतौर पर 15 साल के अंतराल के बाद कश्मीर घाटी में इस तरीके से विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेके उसको हमले के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इससे कहीं ना कहीं अब सुरक्षा रिव्यू करने की भी जरूरत है, और खासतौर पर सभी मोर्चों पर कमर कसने की जरूरत है। चूक हुई है एक, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन इसके साथ ही इस शहादत का बदला पूरा देश चाहता है। हमले के तुरंत बाद का ये जो वीडियो सामने आया है देखिए। देखिए हमले के ठीक बाद का ये वीडियो है और इसे आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये वीडियो जो हमें मिला है हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि इससे ये पता चले कि क्या मंजर उस वक्त रहा होगा, और हमें याद रहे कि इन जवानों की शहादत का बदला इस देश को लेकर रहना है। हफरा तफरी का माहौल आप वहां देख सकते हैं, जवान है उनके बीच डिसिप्लिन होता है लेकिन फिर भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था हाईवे पर इतने बड़े कॉन्वॉय पर इस तरह से फिदायीन हमला हो जाएगा। आप कुछ जगहों को तो हमने बाकायदा ब्लर कर दिया है क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, हिस्से इस वीडियो के हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। वो जो आप वहां पर लोहे का कबाड़ जैसा देख रहे हैं पूरा मैंगल्ड पार्ट, वो दरअसल बस का हिस्सा है, वो बस जिसमें सीआरपीएफ के जवान सवार थे और जिससे सीधे जाकर फिदायीन की गाड़ी टकराई है। इनको देखकर के एहसास नहीं होगा कि ये बस और गाड़ियां थी इस हमले से पहले। धमाका कितना जोरदार रहा होगा, सोचिए आप जरा, 200 किलो आरडीएक्स एक गाड़ी में पैक होकर आता है और एक कॉन्वॉय से जाकर के टकराता है।
78 गाड़ियों में 2,547 जवान जा रहे थे। मसूद की मौत इसीलिए मांगता है देश। ये तस्वीरें ये देश नहीं भूलेगा और पाकिस्तान को भी भूलने नहीं देगा। जो जख्म हमने उसे दिया है उसका जवाब जरूर पाकिस्तान को मिलेगा। और ये जो हमला हुआ है इसको लेकर हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या अब दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया।